तकलीफ आप उधर जाके लोगों से पूछे हो सही कि लोगों को तकलीफ क्या हुई है ना, आप घर से बाहर निकल सकते थे, पुलिस वाले उधर खड़े होते वो कहते आप अपने घर के अंदर चले जाएं, इवन कि आप ना कोर्ट जा सकते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, लोगों के बिजनेस जो शॉप्स थी वो सारी उधर बंद रही है 2 दिन तक, कोई वो अपना काम नहीं कर सके, चले जो डेली वेजर है वो भी चले सखर में जाते थे। जेयूआई की जानिब से शिकारपुर रोड पर तारिक साज जलसे का मामला। सड़क पर जलसों की अदालती पाबंदी के बावजूद जलसे की इजाज़त देने पर डिप्टी कमिश्नर सखर और मेयर सखर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इत्तला के मुताबिक 28 नवंबर को शिकारपुर रोड पर जेयूआई की जानिब से बड़े जलसा आयाम का इनका किया गया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडवोकेट हुमायूं शेख की जानिब से जलसे के इनेकाद से कबल ही जिला इंतजामिया को अदालती अहकाम के नोटिस जारी करके आगाह किया गया था कि सखर की सड़कों पर सियासी जलसों पर अदालती पाबंदी आयद है, तहम उसके बावजूद जलसे का इनेकाद किया गया। एडवोकेट हुमायूं शेख के मुताबिक बड़े सियासी जलसे के बायस शिकारपुर रोड और मुलहका इलाकों को हर तरह की ट्रैफिक के लिए रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया, जिसके बायस शहरियों को इंतहाई अजियत का सामना रहा। जलसे हो रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट हुए हैं सखर शहर में रोडों के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2020 में 4/2/2020 को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें जो एडवोकेट हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और उनके साथ जो है उनका जो म्यूनसिपलिटी के एडवोकेट थे, उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि आज के बाद सखर शहर में किसी रोड के ऊपर कोई जलसा या कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद अभी रिसेंटली एक जलसा हुआ है शिकारपुर रोड के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा जलसा किया गया, उनको परमिशन दी गई और पूरा रोड उधर वो ब्लॉक किया गया। जब ये जलसे का मुझे पता चला, मैंने डिप्टी कमिश्नर मेयर कमिश्नर साहब को एक लीगल नोटिस भी निकाला, उनको इन्फॉर्म किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर पास हो चुका हुआ है और आप जो है इसको रिवोक करें इस परमिशन को और जो सूटेबल जगह उधर दें, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, इनको जलसा करने की परमिशन दी गई, जिससे लोगों को बहुत परेशानी भी हुई है। एडवोकेट हुमायूं शेख के मुताबिक सखर की अदालत ने 2020 में सड़कों पर जलसे जुलूसों के इनेकाद पर पाबंदी आयद की हुई है, उसके बावजूद जलसे का इनेकाद करके न सिर्फ अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि शिकारपुर रोड पर की गई प्लांटेशन तबाह हुई और मकीनों को भी इंतहाई परेशानी का सामना रहा। अजियत लोगों को मिली है उसकी वजह से, ना आप घर से बाहर निकल सकते थे, ना बच्चे स्कूल जा सकते थे, ना मरीज हॉस्पिटल जा सकते थे, 2 दिन तक पूरा रोड ब्लॉक रखा है, पूरा शिकारपुर रोड इन्होंने ब्लॉक रखा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन लोगों ने मिसयूज़ किया है। इसी वजह से मैंने अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में अभी कंटेंट एप्लीकेशन फाइल की है इनके खिलाफ, जिसमें इनको पार्टी बनाया गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ कंटेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएँ।